हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब। और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एडुकेटर दीक्षा शर्मा। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज जो कि NFSU ने रिलीज़ करी है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं NFSU की वेबसाइट। अब देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी अवेलेबल है। जैसे ही आप स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा career@NFSU। आपको career@NFSU पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको दो इम्पॉर्टेंट और न्यू वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस साइंटिफिक एंड लैब पोजिशन एट NFSU दिल्ली कैंपस, ठीक है। दूसरा क्या है, यह है एडवर्टीजमेंट फॉर रिसर्च असिस्टेंट एट NFSU दिल्ली कैंपस। सो रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके अलावा साइंटिफिक और लैब में लैब असिस्टेंट की पोस्ट अवेलेबल है दिल्ली कैंपस में। तो एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, कब एलिजिबल आप होते हो एंड कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। एंड अप्लाई करने से पहले हम डिटेल एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो एप्लीकेशन है ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है फॉर डिफरेंट साइंटिफिक एंड लैब पोस्ट, ठीक है। अब NFSU ने अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है दैट NFSU इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओनली यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड टू फॉरेंसिक साइंस, बिहेवियरल फॉरेंसिक, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक, लीगल एंड अलाइड साइंसेज। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन्वाइट्स एप्लीकेशन फॉर फॉलोइंग साइंटिफिक पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देख लो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी जॉब पोजीशन है, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। किस कैंपस की बात हो रही है, स्पेसिफिकली दिल्ली कैंपस की बात हो रही है। अब यहाँ पे लास्ट डेट क्या है वो आप देख लो, लास्ट डेट है 11th अगस्त। 11th अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो। कब से ये शुरू हो चुके हैं एप्लीकेशंस, 2nd अगस्त 2024 से एप्लीकेशंस शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट की कितने पोस्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की कितने पोस्ट है, दोनों ही यहाँ पे मेंशन है। सो कौन कौन सी स्ट्रीम है, सो केमिस्ट्री के लिए 2 साइंटिफिक असिस्टेंट चाहिए, लैब असिस्टेंट के लिए कोई पोस्ट नहीं है। टॉक्सिकोलॉजी 1 वैकेंसी इज देयर, फिजिक्स 1 वैकेंसी इज देयर इन साइंटिफिक असिस्टेंट, बैलिस्टिक्स में भी 1 वैकेंसी है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, बायोलॉजी डिवीजन में भी 2 वैकेंसी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, बायोटेक्नोलॉजी में 1 वैकेंसी है, डिजिटल फॉरेंसिक में 1 वैकेंसी, ये सारी वैकेंसी साइंटिफिक असिस्टेंट के एरिया में है। देन वी हैव साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में 1 पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए और 2 पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, ठीक है। देन वी हैव क्लिनिकल साइकोलॉजी, 1 पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट की, फॉरेंसिक साइकोलॉजी 1 पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट की, फॉरेंसिक फोटोग्राफी 1 पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट की, क्राइम सीन मैनेजमेंट 1 पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट की, FPQD 1 पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट की, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी 1 ही पोस्ट अवेलेबल है साइंटिफिक असिस्टेंट की, ठीक है। नाउ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज 11/8/2024 6 PM, मतलब शाम के 6 बजे तक आप 11 अगस्त तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो इंटरव्यू है और जो प्रोसेस है वो 20th and 21st August 2024 के अराउंड होगी फॉर बोथ साइंटिफिक असिस्टेंट एंड लैब असिस्टेंट, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, जो डिटेल्ड एप्लीकेशन है वो NFSU की वेबसाइट में ऑलरेडी अवेलेबल है, जो मैंने अभी आपको जस्ट इस नोटिफिकेशन को पढ़ने से पहले बताया था। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ आप क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस को फुलफिल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब पक्की है, आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा इंटरव्यू में। सारे के सारे राइट्स यूनिवर्सिटी के पास रिजर्व्ड हैं टू चेंज एनीथिंग थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। कोई भी तरीके का करस्पॉन्डेंस एंटरटेन नहीं करा जाएगा रिगार्डिंग दी कंडक्ट एंड रिजल्ट ऑफ द इंटरव्यू एंड रीजंस फॉर नॉट बीइंग कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एंड सिलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि जितने भी क्वालिफिकेशन है मस्ट बी UGC रिकॉग्नाइज्ड, चाहे वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो, वो क्या होना चाहिए, UGC रिकॉग्नाइज होना चाहिए, RCI, BCI, PCI, AICET अप्रूव्ड होना चाहिए अगर वो कोई ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है तो,
ठीक है, जो भी चीज़ें एप्लीकेबल है वो होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन और जो रिजर्वेशंस हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स पे आपको अवेलेबल रहेंगी। इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस और क्या क्या है, जो पोस्ट लिस्ट करी गई है ये टेम्पररी पोजीशंस है। 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे आपको हायर करा जाएगा, फिर बाद में आपको बताया जाएगा कि ये जो वैकेंसी है आपकी रेगुलर हो रही है या नहीं हो रही है। नाउ ऑन सेट ऑफ सेल्फ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स, डिग्री, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक्सेट्रा शुड बी सबमिटेड टू द रिक्रूटमेंट सेल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ये सारी चीज़ें आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू सबमिट करनी पड़ेगी। ओरिजिनल सर्टिफिकेट मस्ट बी शोन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं सारे ओरिजिनल होने चाहिए जब आप इंटरव्यू देने जाओगे। इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, एप्लीकेंट्स शैल अपियर फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी रिकमेंडेड फॉर द इंटरव्यू। अगर ऐसा होता है कि एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा है तो एक छोटी सी स्क्रीनिंग टेस्ट आपकी ली जा सकती है। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा अगर आप उस स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हो जाते हो। इफ़ फाउंड इनएलिजिबल द यूनिवर्सिटी इज लाइबल टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम। अगर आपको इनएलिजिबल कंसिडर करा जाता है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप इनएलिजिबल हो रहे हो तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है किसी भी टाइम टर्मिनेट कर दिया जा सकता है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो इन पोस्ट के लिए तो आपको 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करनी पड़ेगी 11th August 2024 के पहले पहले। ठीक है, नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट कंसोलिडेटेड मंथली सैलरी कितनी मिलेगी, 47,400 रुपीज मिलेगी। मास्टर की डिग्री होनी चाहिए फॉरेंसिक साइंस से, स्पेशलाइजेशन अगर फॉरेंसिक केमिस्ट्री है, फॉरेंसिक साइंस है, फॉरेंसिक बायोकेमिस्ट्री है, फॉरेंसिक फार्माकोलॉजी है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो ठीक है। कैंडिडेट हैविंग मास्टर्स डिग्री इन फॉरेंसिक साइंस मस्ट हैव स्टडी मिनिमम 4 सब्जेक्ट्स फ्रॉम एनी ऑफ द अबव मेंशन डिसिप्लिन्स एट मास्टर्स लेवल, शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। डिजायरेबल क्या है, फॉरेंसिक केमिस्ट्री में एक्सपीरियंस या स्पेशलाइजेशन अगर फैक्ट क्वालिफाइड हो तो बहुत अच्छी बात है। ये थी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर केमिस्ट्री। नेक्स्ट वी हैव साइंटिफिक असिस्टेंट टॉक्सिकोलॉजी, सैलरी सेम है, आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी एज देख लो, 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिक्वायरमेंट है। हिंदी इंग्लिश सेम ही है एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक केमिस्ट्री, मॉडर्न एंड अप्लाइड एनालिटिकल फॉरेंसिक केमिस्ट्री, फॉरेंसिक फार्माकोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर करा जाएगा। अगर आप फैक्ट क्वालिफाइड हो तो आपको प्रेफर करा जाएगा। नेक्स्ट वी हैव साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स, कंसोलिडेटेड सैलरी इज 47,400। 30 साल से ज़्यादा आप नहीं होने चाहिए। स्पेशलाइजेशन इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स में अगर आपका है तो आप एलिजिबल हो। आपको हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिकली फिजिक्स का एरिया है तो फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक फिजिक्स, एडवांस फिजिक्स टेक्निक्स, ऑडियो रिकॉग्निशन, वीडियो रिकॉग्निशन एनालिसिस एक्सेट्रा, इनमें से आपको एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट अपने मास्टर्स में पढ़ा होना चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आपको इस फील्ड से एक्सपीरियंस है, डिजायरेबल हो, फैक्ट क्लियर है, डिजायरेबल हो, बैलिस्टिक्स में भी सैलरी सेम है, एज लिमिट सेम है एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिक्वायरमेंट भी सेम है। सो यूजुअली दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। फैक्ट क्वालिफाइड हो तो आपको क्या करा जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट वी हैव बायोलॉजी। सो बायोलॉजी के लिए फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक बायोलॉजी, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेंसिक सीरोलॉजी, डीएनए प्रोफाइलिंग, फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सेट्रा, ये सारे सब्जेक्ट्स अगर आपने पढ़े हैं तो आप एलिजिबल हो। हिंदी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। अगर स्पेशलाइजेशन है और एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर करा जाएगा। फैक्ट क्वालिफाइड हो तो प्रेफर करा जाएगा। नेक्स्ट वी हैव साइंटिफिक असिस्टेंट बायोटेक्नोलॉजी। सो इसमें अगर आपने फॉरेंसिक साइंस मास्टर्स करी है, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक जीनोमिक्स एंड बायो कंप्यूटिंग, मोलिकुलर बायोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स, फॉरेंसिक
फॉरेंसिक, प्रोटियोमिक्स एंड ये सारे सब्जेक्ट्स अगर आपने UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आप एलिजिबल हो, हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छी बात है, स्पेशलाइजेशन हो तो बहुत अच्छी बात है, फैक्ट क्वालिफाइड होगे तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। नेक्स्ट वी हैव डिजिटल फॉरेंसिक्स, ये सारे के सारे आपके एजुकेशनल रिक्वायरमेंट होंगे। ये दो सेक्शंस हैं एजुकेशनल रिक्वायरमेंट के, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो रेलिवेंट होने चाहिए, अगर एक्सपीरियंस है इन्वेस्टिगेट करने का केसेस तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। देन वी हैव साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में भी जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है इट्स यूजुअली सेम एज दी अबव। इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजी, सो क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए अगर आपके पास मास्टर डिग्री है साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, स्पेशलाइजेशन विद क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी तो आप एलिजिबल हो, हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, एक्सपीरियंस स्पेशलाइजेशन है तो आपको प्रेफर करा जाएगा, फैक्ट क्वालिफाइड हो तो आपको प्रेफर करा जाएगा। नेक्स्ट वी हैव साइकोलॉजी, सो साइकोलॉजी में, फॉरेंसिक साइकोलॉजी में सैलरी इज 47,400, 30 साल से ज़्यादा आप नहीं होने चाहिए। MA, MSc, MPhil इन साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन टू फॉरेंसिक साइकोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। आपका जो सर्टिफिकेट है वो लाइसेंस होना चाहिए इन पॉलीग्राफ टेस्टिंग, BEOS, SDS, आई डिटेक्ट, LVA। रिक्वायर्ड स्किल्स क्या है, कैलिब्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, SOP, पॉलीग्राफ, SDS, LAV, BEOS एंड आई डिटेक्ट। सर्टिफिकेट्स इंटर्नशिप के हैं तो भी चलेंगे, रिसर्च एक्सपोजर है तो भी आपको प्रेफर करा जाएगा, अगर आप फैक्ट क्वालिफाइड हो तो आपको प्रेफर करा जाएगा। देन वी हैव फॉरेंसिक फोटोग्राफी एंड देन जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है फॉरेंसिक साइंस में, अगर आपने स्पेशलाइजेशन करी है फॉरेंसिक फोटोग्राफी से, फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक फोटोग्राफी एंड बायोमेट्रिक्स, एडवांसेस इन फिजिकल टेक्निक्स, CSM फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, एक्सपीरियंस स्पेशलाइजेशन इज डिज़ायरेबल, फैक्ट क्वालिफाइड इज डिज़ायरेबल। नेक्स्ट वी हैव क्राइम सीन मैनेजमेंट, सो क्राइम सीन मैनेजमेंट के लिए दीज आर द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स एंड दीज आर दी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज दैट इज रिक्वायर्ड। सेम साइंटिफिक असिस्टेंट FPQD, सो अगर आपका फॉरेंसिक साइंस में स्पेशलाइजेशन क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से, फिंगरप्रिंट अकाउंटिंग से है या फिर फिजिकल टेक्निक से है, मॉडर्न ट्रेंड्स अगर आपने पढ़े हैं फिंगरप्रिंट फॉरेंसिक साइंस के किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो आप एलिजिबल हो, हिंदी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस स्पेशलाइजेशन है तो बहुत अच्छी बात है, फैक्ट क्वालिफाइड हो तो बहुत अच्छी बात है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अगर आपने फॉरेंसिक साइंस से मास्टर डिग्री करी है या फिर BTech करा है इंस्ट्रूमेंटेशन में तो भी आप एलिजिबल हो, डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ वही है। अब यहाँ पे देखो, अब हम बात करेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट की। कंसोलिडेटेड सैलरी है 34,200 रुपीज़, 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इज़ रिक्वायर्ड इन साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक, कंप्यूटर साइंस, तो बेसिकली UG की जो रिक्वायरमेंट है वो है ये। आपको मास्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करा जा रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। डिज़ायरेबल क्या है, अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है, कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है तो ये सारी चीज़ें डिज़ायरेबल हैं। आप यहाँ ब्लू लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। सो ये थी आपकी डिटेल्ड PDF नोटिफिकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हो तो ज़रूर से अप्लाई करो। अच्छी सैलरी है, 11 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में आपको रखा जाएगा एंड देन अगर आपने अच्छा परफॉर्म करा तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू कर दिया जाएगा, विच इज़ बेस्ट। ओके, सो आई होप इफ यू आर एलिजिबल आप ज़रूर से क्रैक करो ये इंटरव्यू, अप्लाई फॉर द फॉलोइंग पोस्ट जिसमें आप एलिजिबल होते हो। जस्ट गो थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्पेसिफिकली ध्यान से देख लो कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से एरिया में आप एलिजिबल हो एंड अप्लाई फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट एंड लैब असिस्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल एवरीवन। इफ दिस इज़ हेल्पफुल डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर सच अपडेट्स, क्योंकि आपको फॉरेंसिक के फील्ड से सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड सारे लेक्चर्स सबसे पहले मिलते हैं हमारे चैनल के थ्रू। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।